यूपी के देवरिया जनपद में विधानसभा सम्मान निर्वाचन 2022 की छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। इसी क्रम में बरहज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने आज अपना देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले की सभी 7 विधानसभाओं के लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 342 बरहज विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी विनय तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपना 2 सेटों में नामांकन दाखिल किया। इस बाबत बरहज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी युवा रोजगारों का, भाइयों की रोजगार व्यवस्था करानी है। जितने के बाद होगी हमारी सबसे पहले जो हमारे युवा है भाई हैं उनके रोजगार की व्यवस्था करानी है। हमारे सड़क बहुत सारे टूटे हुए हैं, जब भी जाएंगे विधानसभा में जितने भी सड़क हैं, चाहे मेन रोड हो, लिंक रोड हो, गांव के सड़क हो, सारे सड़क टूटे हुए हैं, वो प्राथमिकता होगी। हमारे वहाँ बरहज विधानसभा में मोहन सेतु है, आज करीब 10 वर्षों से वो बंद पड़ा हुआ है, काम रुका हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है, वो प्राथमिकता होगी। आप देख रहे हैं सबसे पहले अभी कोरोना का समय चल रहा है, सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल बंद हैं, सब लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ रोज़गार मुहैया कराने की प्राथमिकता होगी। उसके बाद हमारे जितने भाई बहन हैं उनको ITI करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए या तो देवरिया आना पड़ता है या गोरखपुर जाना पड़ता है, या कोई तैयारी करनी हो तो उनको इलाहाबाद जाना पड़ता है। ये कोशिश होगी कि हमारी बरहज विधानसभा में ही वो सारी सुविधाएँ हो, अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा हो।